हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज एमपीएल में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिस अपडेट की मदद से आप अपने बोनस कैश को 100% यूज कर सकते हैं। तो आप इससे पहले अपने बोनस कैश का सिर्फ 1 से 2% यूज कर सकते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बोनस कैश को पूरा का पूरा विनिंग कैश में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमपीएल ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि यह अपडेट आया है। तो आपको एमपीएल ऐप को अपडेट कर लेना होगा, या आपने पहले से कर लिया है तो यह आपके फ़ोन में आ चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको पहले अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह अपडेट हो रहा है। तो अपडेट होने के बाद इसको जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलेगा, जैसे कि सुपर टीम का फीचर है, तो वो बहुत ही पुराना है, मगर उसमें कुछ नया अपडेट आया है जिसमें आप 100% बोनस कैश को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब दोबारा से हम इस ऐप को ओपन करते हैं, ऐप इंस्टॉल हो चुका है और अपडेट भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ही एमपीएल ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना आपको बोनस कैश दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितना बोनस कैश है और मेरे पास कितना विनिंग कैश है। तो यहाँ पे यह ऐप ओपन हो रहा है। तो आप इसमें टूर्नामेंट में अगर किसी भी टूर्नामेंट को खेलते हैं किसी भी गेम में, तो वहाँ पे जाकर के आप अपने पूरे 100% बोनस कैश को नहीं यूज कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 1 से 2% बोनस कैश को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने वॉलेट में ले जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि मेरे पास अभी 1400 रुपये के आसपास यहाँ पे पैसा है, जिसमें से मेरे पास सिर्फ 33 रुपये है जो विनिंग कैश है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो सब बोनस कैश है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टूर्नामेंट खेल कर दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बोनस कैश यूज होता है। तो हम यहाँ पर कोई टूर्नामेंट सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेम को ओपन करते हैं, और टूर्नामेंट में हम यहाँ पे अपना विनिंग कैश लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बोनस कैश कितना ऐड होगा इसमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कोई गेम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना गेम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गेम जैसे कि यहाँ पे फ्रूट डार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें से किसी एक टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा टूर्नामेंट चल रहा है, तो हम यहाँ पर किसी एक टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम 200 रुपये वाले टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिर्फ, मुझे पहले तो यहाँ पे एंट्री चार्ज 200 रुपये है, जिसमें से मैं यहाँ पे सिर्फ 83 रुपये पे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास विनिंग कैश 33 रुपये है और मैं यहाँ से सिर्फ 50 रुपये बोनस ले पा रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ यहाँ से 50 रुपये ही बोनस ले पा रहा हूँ, 100% पूरा का पूरा बोनस कैश यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो अब हम कैसे पूरा का पूरा बोनस कैश को यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फीचर्स है सुपर टीम का, तो ये काफ़ी पुराना है लेकिन इसमें अपडेट आया है, जिसकी मदद से आप इसमें जितने भी कॉन्टेस्ट चलते हैं उसमें आप 100% 90% या 80% तक बोनस कैश को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपये तक का कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे स्टार्टिंग वाले 50 लाख वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ यूज 100% बोनस कैश, यूज 90% बोनस कैश, यूज 80% बोनस कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले को यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पर आपको एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके दिखाएँगे जिसमें हम बोनस कैश 100% यूज करेंगे, उसमें आपका कोई भी 1 रुपया भी फ्री का नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 39 रुपये एक कॉन्टेस्ट का है, एक टीम बनाने का। तो हम यहाँ पे पहले टीम बनाएंगे और उसके बाद इसमें सभी बोनस कैश को यूज करेंगे। तो अगर आपको टीम बनाना ही आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखकर लास्ट तक देखकर टीम बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको टीम बनाने के लिए क्रिएट टीम का ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक विकेट कीपर सेलेक्ट करना होता है, और इसमें आपको मैक्सिमम 100 क्वाइंस मिलते हैं, 100 क्रेडिट्स मिलते हैं, और उसी 100 क्रेडिट में आपको 11 टीम सेलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर सेलेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे एक विकेट कीपर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप बैट्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 बैट्समैन को सिलेक्ट करना है। और आप ये बात याद रखें कि आपको किसी भी टीम का, मतलब किसी भी टीम का मैक्सिमम आप 6 से 7 प्लेयर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 11 का 11 प्लेयर किसी एक ही टीम का सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ऑलराउंडर का ऑप्शन आता है, तो आप इसमें ऑलराउंडर में भी एक सिलेक्ट कर ले, किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में बॉलर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप
जितने भी आपको अच्छे बॉलर लगते हैं उन सभी को आप यहाँ पे चार बॉलर्स को सिलेक्ट कर लें, और आपको ऊपर में वहाँ पे क्रेडिट दिखाता है, 100 क्रेडिट में ही आपको सभी को सिलेक्ट करना है, और आपको टोटल 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। और आप जैसे ही 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ अभी कुछ 16 क्वाइंस बचा हुआ है, तो आपको उसी क्वाइंस के अकॉर्डिंग आपको उसी क्रेडिट के अंडर में ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। आप 100 क्रेडिट के अंदर में सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको सुपर टीम बनाने नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के काफ़ी अच्छे से उस वीडियो को देख करके टीम बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टीम बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको उस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक वाइस कैप्टन और एक कैप्टन का ऑप्शन आता है, तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेव टीम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नीचे, और आप जैसे सेव टीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एक टीम क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर टीम का ऑप्शन है, तो आप रजिस्टर टीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब रजिस्टर टीम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 39 रुपये हमें पे करना है, और इसमें से देख सकते हैं एंट्री चार्ज है 39 और यू आर पेइंग 39 और बोनस कैश यहाँ पे मेरा 39 है, और मेरा यहाँ पे विनिंग कैश या डिपॉजिट कैश एक भी नहीं लग रहा है, मतलब 100% मेरा यहाँ पे बोनस कैश लग रहा है। तो यह बहुत ही बढ़िया अपडेट है MPL की तरफ से, तो आप इस ऐप को इस फीचर्स को काफ़ी अच्छे से इस ऐप को इस अपडेट को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा बोनस कैश है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपने इसमें काफ़ी अच्छा रैंक ला दिया तो आप इसमें काफ़ी अच्छा पैसा जीत सकते हैं। आप यहाँ पे खुद रैंक देख सकते हैं कि टूर्नामेंट कॉन्टेस्ट में रैंक 1 का 5 लाख रुपया है, विनिंग कैश इनाम। तो इस तरह से अगर आप जीत जाएंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से आसानी से अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसी तरह से चाहे तो इसमें आप 20 टीम तक बना सकते हैं, तो आप ज़्यादा जितना ज़्यादा टीम बनाएंगे आपको जीतने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको सभी में मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको जो 20 लाख रुपये वाला है और 10 लाख रुपये वाला है उसमें आप 80% ऑन 90% बोनस कैश यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड टीम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से टीम बना सकते हैं। और यहाँ पे यह टीम मतलब यह कॉन्टेस्ट सिर्फ 1.5 घंटे तक चलने वाला है, 1 घंटे और 32 मिनट बाद यह रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद यह कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कि आपका पॉइंट कितना है। तो इस तरह से आप बोनस कैश को 100% यूज कर सकते हैं और उसको विनिंग कैश में चेंज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियोज लेकर आते रहता हूं। और आप देख सकते हैं कि मेरा 33 रुपये अभी तक उसी तरह से विनिंग कैश है, मेरा यहाँ पे एक रुपया भी विनिंग कैश यूज नहीं हुआ है, 100% बोनस कैश यूज हुआ है। तो इस तरह से आप अपने बोनस कैश को यूज कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।